Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th March 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about the hijab controversy, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव। तो देखिए, हिजाब रो को लेकर के हमने लगभग 2 महीने पहले भी कुछ आर्टिकल्स कवर किए थे। मैंने आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा, कि कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में ये इशू निकल के आया, जहां जनवरी महीने के अंदर, इस साल 2022 के जनवरी महीने में 6 girls फ्रॉम इस्लाम कम्युनिटी वेयर डिनाइड एक्सेस टू अ कॉलेज। जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ऐसा मानना था कि दीज गर्ल्स शुड नॉट बी अटेंडिंग क्लासेस वाइल हैविंग और कवरिंग देयर फेसेस विथ हिजाब। इसको लेकर के फिर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। दीज गर्ल्स एंड देयर फैमिली स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर धीरे धीरे ये मामला बाकी कॉलेजेज में भी पहुँचा, जहाँ पे जो इस्लाम कम्युनिटी के गर्ल्स थे, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, देयर फैमिली ऑल्सो स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। और फिर यह मामला धीरे धीरे पोलराइज होने लगा। जो हिंदू कम्युनिटी के गर्ल्स थी खासकर, दे स्टार्टेड टू कम कॉलेज विथ सैफरन क्लोथ्स विद देम, जस्ट टू से कि अगर ठीक है, इफ गर्ल्स फ्रॉम इस्लाम कम्युनिटी विल हैव हिजाब, वी विल कम अप विथ सैफरन क्लोथ्स ऑल्सो। तो ये मामला धीरे धीरे पोलराइज होने लगा और धीरे धीरे ये कॉम्युनल एंगल लेने लगा। और इसी कारण से फिर दिस मैटर वॉज टेकन अप बाई कर्नाटका हाई कोर्ट, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस पे सुनवाई की है। तो इस पूरे मामले में मेन मुद्दा क्या है? ये जो भी गर्ल्स प्रोटेस्ट कर रही थी कि नहीं, हमें हिजाब पहनने की इजाज़त होनी चाहिए वाइल अटेंडिंग आवर क्लासेस, दे वर क्लेमिंग इट एज देयर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम विच इज़ देयर फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 25 to 28 guarantees right to religious freedom. Article 25 specifically says कि freedom of an individual of conscience and free profession, practice and propagation of religion. तो इस word practice पर focus कीजिए, और इसी word को लेकर के they were claiming कि it is our right कि हम लोग ये हिजाब पहनना, ये हम अपने religion को practice कर रहे हैं, and this is very much part of our religion and this is how it must be protected under Article 25 of the Constitution. बाकी सारे आर्टिकल भी right to religious freedom से related हैं, but इस particular case के लिए ये आर्टिकल 25 was directly important. अब इसमें मुद्दा ये है, हमें ये समझना है कि क्या कोई भी एक्टिविटी इन द नेम ऑफ रिलीजन जस्टिफाई की जा सकती है? हम कुछ भी एक्टिविटी को करें और हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज़ पार्ट ऑफ माय रिलीजन एंड दैट इज़ व्हाई आई विल प्रैक्टिस इट और प्रोफेस इट और प्रोपोगेट इट? आंसर इज़ नो। सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में इन सिरूर मठ केस साफ साफ ले डाउन किया था कि जो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के अंदर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम मिला है, दैट विल बी अवेलेबल ओनली फॉर दोज एक्टिविटीज़ विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ रिलीजन। तो ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है कि भाई आप इसके नाम पे जो मर्जी आए वो करना शुरू कर दें, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कैसे तांडव डांस, एक पर्टिकुलर जो एक सेक्ट के लोग हैं ऑफ हिंदुइज्म इटसेल्फ, वो तांडव डांस पब्लिक प्लेस में कर रहे थे एंड दे डिमांडेड इट एज अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजन एंड इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एज पर आर्टिकल 25। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया, बोले नहीं, ये नहीं हो सकता, बिकॉज वट एवरीथिंग कैन नॉट बी जस्टिफाइड अंडर आर्टिकल 25 and 26, ओनली दोज एक्टिविटीज़ विल बी प्रोटेक्टेड विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन। तो इस पूरे मामले में फिर मुद्दा यहीं आ गया कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम कम्युनिटी का या इस्लाम रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं? सारा मुद्दा यहीं आ गया। दिस इज़ द की क्वेश्चन इन दिस केस, दिस वाज द की क्वेश्चन इन दिस केस, वेदर वियरिंग हिजाब या हेड स्कार्फ इज पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। और अब न्यूज़ निकल के ये आई है, लगभग 2 महीने पुराना ये इशू था, कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है, और कर्नाटका हाई कोर्ट का मानना है कि हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम एंड दिस इज़ हाउ wearing hijab cannot be protected under Article 25। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को अधिकार है, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अधिकार है कि अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर किस तरीके का यूनिफॉर्म वो चाहते हैं उसको प्रेस्क्राइब कर सकें। और इसी कारण से इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हिजाब शुड नॉट बी अलाउड, सो दे आर वेल विद इन देयर राइट्स और उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि हिजाब इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ इस्लाम। ऑफ कोर्स ये जो पूरा का पूरा जजमेंट है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा ही। जो लोग भी इस हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं, हिजाब इश्यूज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि नाउ दे विल बी चैलेंजिंग द इशू इन द सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ से जो फैसला निकल के आएगा उसको भी देखेंगे। तो ये इस पूरे मुद्दे की एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्क्रिप्शन यहाँ दी गई है। दिसंबर से ये मामला शुरू हुआ और अब जाकर के कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया है। लेकिन ऑफ कोर्स दिस मैटर इज़ येट नॉट कम्प्लीटली क्लोज्ड बिकॉज इफ दिस मैटर गोज़ टू सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट मे गिव सम डिफरेंट decision also। The next article is about International Day to Combat Islamophobia and this topic is important from our syllabus GS paper 2 International Relations Perspective। Islamophobia है क्या, पहले ये समझते हैं। It is a kind of prejudice या hostile या hatred behavior towards Islamic community या Muslim people। It's a kind of negative attitude और इमोशंस डायरेक्टेड एट इस्लाम और मुस्लिम पीपल। तो आपको एटीट्यूड एक टॉपिक है ना एथिक्स और इंटीग्रिटी में, वहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे इस्लामोफोबिया लिख सकते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इस्लाम और पीपल फॉलोइंग इस्लामिक पीपल। ये जो टर्म है इस्लामोफोबिया 1990 से धीरे धीरे वोग में आने लगा। आफ्टर 9/11 इन 2001 इट बिकेम वेरी पॉपुलर। कई सारे लोग जो हैं खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में दे सी और दे फील कि मुस्लिम पीपल और इस्लामिक पीपल आर रीज़न बिहाइंड 9/11 अटैक, जबकि ऐसा नहीं है, सच्चाई नहीं है। ऑफ कोर्स दिस कि ओसामा बिन लादेन अगर इस्लाम को सो कॉल्ड इस्लाम को फॉलो करता था, ऑफ कोर्स इस्लाम सही इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग इस तरह का वायलेंट एक्टिविटी नहीं करेंगे। बट इफ़ ही वाज सो कॉल्ड इस्लामिक पर्सन दैट डज नॉट मीन कि ही वाज एन इस्लामिक पर्सन। दैट डज़ नॉट मीन कि सारे के सारे इस्लामिक कम्युनिटी के लोग ऐसे ही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ वेस्टर्न सोसाइटीज़ में देयर आर पीपल हु सी इंटायर इस्लाम कम्युनिटी फ्रॉम द लेंस ऑफ 9/11 ओनली। दे सी ऑल आई नीड टू नो अबाउट इस्लाम आई लर्नड ऑन 9/11। मैंने 9/11 पढ़ा और मुझे इस्लाम के बारे में पता चल गया। दिस इज़ हाउ दे फील एंड दिस इज़ हाउ इस्लामोफोबिया टेंडेंसी एंड नेगेटिव एटीट्यूड बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब करंट न्यूज़ क्या निकल के आ रही है इस्लामोफोबिया को लेकर के। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब देखो इस्लामोफोबिया तो अच्छी बात हुई नहीं, किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना, उसके अगेंस्ट प्रिजुडिस डेवलप करना, इट्स नॉट ए राइट थिंग ऑफ कोर्स। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस इस्लामोफोबिया के खिलाफ 15 मार्च को, यानी कि कल जो बीता हुआ दिन था, इसको इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया की तरह सेलिब्रेट करने का फैसला लिया है कि हम 15 मार्च को पूरे दुनिया भर में एक ऐसे दिन की तरह सेलिब्रेट करेंगे जिस दिन हम लोग इस्लामोफोबिया को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। इस पे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है? ऑफकोर्स इस्लामोफोबिया अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस पे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है वो भी ज़रा देखिए। इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं UN के अंदर और UN एम्बेसडर TS तिरुमूर्ति साहब, उन्होंने कहा है कि देखिए किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे इंटरनेशनल डे मनाना ठीक बात नहीं है। देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट प्रेजुडिस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम के खिलाफ प्रेजुडिस हो रहा है, हिंदूज़ के खिलाफ भी प्रेजुडिस होता है। देयर हैव बीन एंटी हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट या एंटी सिख फोबियाज ऑल्सो। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई सारे सिख कम्युनिटी के लोगों के ऊपर अटैक होते रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वियर टर्बन, और वहाँ पे सिख लोगों के खिलाफ एक तरह का फोबिया डेवलप है। कनाडा में इस तरह के इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही ये फोबिया फेस करना पड़ रहा है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को के नाम पे अगर इंटरनेशनल डे मनाया जाएगा तो धीरे धीरे डर है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर द कंट्रीज माइट गेट सेग्रीगेटेड और डिवाइडेड इन द नेम ऑफ रिलीजन। So UN should focus on avoiding or combating any kind of religion phobia not just Islamophobia, because singling out one particular religion will lead to division of countries in the line of religion, and in future the United Nations may get divided into religious camps. This is what India's stand is over this International Day to combat Islamophobia. The next article is about high retail inflation in Indian economy. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy perspective. So देखिए NSO ने डाटा रिलीज़ किया। आपको पता है कि CPI यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का काम करती है NSO, और उन्होंने डाटा रिलीज़ किया है और उस डाटा के हिसाब से रिटेल इन्फ्लेशन या CPI इन्फ्लेशन इन फरवरी 2022 वाज 8-month high and it was 6.07%. और आपको पता होगा कि 6% इज़ द सीलिंग लिमिट फॉर CPI इन्फ्लेशन, क्योंकि एज पर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इन्फ्लेशन CPI इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन शुड बी इन बिटवीन 4 ± 2%, यानी कि 2% से 6% के बीच में. दिस इज द टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर RBI अंडर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट. मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के बारे में ज़रा देख लेते हैं. साइन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI इन 2015. And it was finalized on the basis of recommendation made by a committee headed by RBI Deputy Governor at that time, Urjit Patel. तो उर्जित पटेल साहब के रिकमेंडेशन पे ही, जो बाद में ऑफकोर्स RBI गवर्नर भी बने, तो उस टाइम में RBI डिप्टी गवर्नर थे, उनके रिकमेंडेशन पे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुई RBI और भारत सरकार के बीच में. और इसके हिसाब से द प्राइम रोल ऑफ RBI इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना विल बी द प्राइम रोल ऑफ RBI's मॉनेटरी पॉलिसी, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है देन दे कैन हैव सम माइंड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ ऑल्सो. सो मुद्दा सरल है कि पहला फोकस RBI की मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का होगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, फिर अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो वो ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं. एंड एज पर दिस अग्रीमेंट दे हैड टू RBI मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू का मेन गोल होगा टू कीप इन्फ्लेशन बिटवीन 2 to 6%. ये जो गोल है ये 5 साल के लिए सेट किया गया था फ्रॉम 2016 टू 2021. बाद में इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया टिल 2026. इसमें एक बात और कही गई है कि अगर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी फेल होती है टू कीप द रिटेल इन्फ्लेशन इन द रेंज ऑफ desired range of 2 to 6% for 3 successive quarter, then it will be considered as a monetary policy failure of RBI. RBI will have to submit a report to the Government of India explaining the reason behind the failure, and also they will have to suggest measures that could be taken to bring the inflation in the desired range. अब इसी आर्टिकल में कुछ और भी बातें कही गई हैं CPI, WPI से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया गया है. बेसिक जो आप लोग वैसे भी अपने बेसिक इकोनॉमी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इसको चलिए न्यूज़पेपर में दिया तो एक बार कवर कर देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो सके. सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फ्लेशन कैलकुलेशन. तो सबसे पहले तो आप इस बात को जानिए, आप जानते भी हैं ऑफकोर्स कि इन्फ्लेशन हमारे देश में 2 लेवल पर मेजर होता है, होलसेल लेवल पर और CPI लेवल पर. होलसेल लेवल आप समझते हैं जैसे फार्म से वो सामान होलसेल डिपो में पहुँचे तो उसको हम लोग इसमें जो महंगाई होगी इस लेवल पे, जिस लेवल पे हो, जिस प्राइस में होल सेलर सामान को ख़रीदता है, अगर उसमें महंगाई आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन. और फिर वहाँ से ये सामान रिटेल शॉप पे पहुँचता है और रिटेल शॉप से हम और आप कंज्यूमर्स खरीदते हैं. अगर इस प्राइस में महंगाई आ जाए कि जो जिस प्राइस पे कंज्यूमर सामान खरीद रहा है इसमें महंगाई आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन. अब होलसेल प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन दोनों में ही जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनकी बास्केट्स अलग अलग होती हैं ऑफकोर्स. यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि वीट होगा तो यहाँ पे आटा होगा, फ्लोर होगा, क्योंकि कंज्यूमर तो फ्लोर खाता है ना जी, आटा खाएगा ना, हम लोग तो सीधा सीधा वीट लेंगे नहीं. तो दिस इज हाउ देयर इज डिफरेंस. होलसेल लेवल पे आइटम्स अलग होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स अलग होंगे, होलसेल लेवल पे सर्विसेज नहीं होते, और कंज्यूमर लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज के बास्केट्स अलग होते हैं. अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेशन की बात की जाए तो इट इज़ रिलीज बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर विच कम्स अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. जबकि CPI इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय NSO विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन. ये है WPI का बास्केट, यानी कि WPI के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं. टोटल 697 टाइप्स के आइटम आते हैं विच कम्स अंडर 3 कैटेगरी, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड पावर एंड प्राइमरी आर्टिकल्स. एक बात आपको ध्यान देनी है कि WPI के अंदर सर्विसेज नहीं हैं, जबकि CPI के अंदर आप देखिए तो सर्विसेज हैं. यहाँ पे मिसलेनियस के अंदर सर्विसेज, उसके अलावा फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, फूड एंड बिवरेजेस. फूड एंड बिवरेजेस का वेटेज सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, आप इस बात का ध्यान दीजिए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं जो पहले यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। प्लीज़ अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about longest ever vessel on Brahmaputra river, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 infrastructure perspective. It is also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues perspective. इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले आपको इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के बारे में समझना होगा। इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, तो देखिए इंडिया और बांग्लादेश ने आपस में अग्रीमेंट साइन किए हैं, जिस अग्रीमेंट के हिसाब से हमने एक दूसरे के देश पे रिवर ट्रांसपोर्टेशन को इस्तेमाल करने के लिए अलाउ किया है। तो कुछ 5 रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। सरल सा मतलब यह है कि इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट एग्रीमेंट की मदद से एक रूट आइडेंटिफाई किया गया है, ऐसा रूट जो इंडिया से होते हुए रिवर्स के रास्ते से होते हुए, इंडिया के इस ईस्टर्न पार्ट से होते हुए, बांग्लादेश के रिवर रास्ते से होते हुए वापस हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जाकर के मिल जाए। इस तरह के 5 प्रोटोकॉल रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं अंडर इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट एग्रीमेंट, और इन सारे प्रोटोकॉल रूट्स को डेवलप किया जा रहा है। आई एम सो सॉरी, दीज आर नॉट 5 बट 4 इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट एग्रीमेंट्स। आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट 5 इट्स 4। तो 4 इस तरह के प्रोटोकॉल रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो ये हैं कोलकाता हल्दिया धुबरी पांडू सिलाघाट। कोलकाता हल्दिया सारे याद नहीं करने हैं। सो दीज आर 4 डेजिग्नेटेड प्रोटोकॉल रूट्स अंडर इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स। इसके अलावा 5 पोर्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं दोनों साइड में। इन पोर्ट्स को कहा गया है पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल वो चीज़ें होती हैं, वो पोर्ट्स होते हैं दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए दिस कोलकाता इज आइडेंटिफाइड एज पोर्ट ऑफ कॉल, तो इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश का कोई भी शिप अगर आएगा तो कोलकाता में डॉक हो सकता है कुछ टाइम के लिए, फ्यूलिंग पर्पस के लिए, सप्लाईज लेने के लिए। तो इस तरीके से 5 पोर्ट ऑफ कॉल इंडियन साइड पे आइडेंटिफाई किए गए हैं, 5 पोर्ट ऑफ कॉल बांग्लादेश साइड में आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे एक दूसरे देश के शिप आकर के वहाँ पर बर्थिंग कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। इंडियन साइड से जो 5 पोर्ट ऑफ कॉल हैं वो कोलकाता हल्दिया करीमगंज पांडू एंड सिलघाट। मुद्दा यह है कि इंडिया और बांग्लादेश ने आपस में इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें हम लोग रूट्स डेवलप कर रहे हैं ताकि इंडियन शिप्स यहां से निकले और बांग्लादेश के नदियों से होते हुए वापस से इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चले जाएं। और अब करंट न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि इस इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट को स्टार्ट कर दिया गया है और उसमें पहला वेसल ने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है, पहला पायलट वेसल। पायलट वेसल इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पस के लिए लॉन्च किया गया था। तो पायलट वेसल्स मतलब यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने इंफॉर्मेशन रिलीज की है कि एक पहला मरीन वेसल जिसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, इट हैज़ कंडक्टेड इट्स पायलट टेस्ट रन फ्रॉम हल्दिया डॉक इन कोलकाता टू पांडू पोर्ट इन गुवाहाटी। तो यहाँ हल्दिया से निकल करके और फिर जैसे ये इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पांडू पोर्ट तक पहुँच गया है ये मरीन वेसल राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने जो ये मरीन वेसल ने जो जर्नी कवर की है, इसके साथ ही ये जो इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट है ये अब स्टार्ट हो चुका है। एक बात आपको और याद रखनी है कि ये मरीन वेसल राम प्रसाद बिस्मिल इज़ लॉन्गेस्ट एवर वेसल ऑन ब्रह्मपुत्रा। तो अभी तक का सबसे लंबा वेसल है ये, लॉन्गेस्ट एवर वेसल टू सेल ऑन ब्रह्मपुत्रा कंप्लीट्स अ पायलट रन। ब्रह्मपुत्रा पे ट्रैवल करने वाला ये अभी तक का सबसे लंबा वेसल है राम प्रसाद बिस्मिल। इसको याद रखना एपीएससी पीटी पर्सपेक्टिव से। इसका 90 मीटर लॉन्ग है, 26 मीटर वाइड है, जबकि ड्राफ्ट यानी कि पानी के अंदर ये लगभग 2.1 मीटर तक नीचे तक रहता है, डूबा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं ड्राफ्ट। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। इट डिफाइंस कंज्यूमर्स एज ऑल दोज हु बाइज गुड्स अवेल सर्विसेज फॉर कंजम्पशन और रीसेल। रीसेल के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट लीड्स टू स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट कम्स अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006। इट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर दिस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इट इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। And which of the following is not a semiconductor material? The answer is palladium. Palladium is not a semiconductor. It is used for plating purpose, yeah, coating purpose. So the correct answer is option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.